नहीं बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे? जब कामदेव को जी सकते हैं तो तेरी बेटी के दिन दशा नहीं बसा सकते। बोला बोला अरे बच्चा बच्चा हमें जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, मैंने कामदेव को जीता, कहां तुम्हारी लड़की? बोला लड़की को बुलाया, लेकिन कैसी तू भी भगवान की माया, वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी जो नारद चेहरा पे चकोर बन गए, पलक चलाना भूल गए। नहीं अब हम महात्मा बन के नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे। ये लड़की बहुत सुंदर, इस लड़की की जिससे शादी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर का कोई भी आदमी उसे हरा नहीं पाएगा। नहीं अब हम महात्मा बन के नहीं जिएंगे, अब हम शादी करेंगे। तो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। कौन बताए भविष्य की बातें? नारद अपने ही भविष्य में खो गए। कि छोड़ कर हाथ बे ती नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रही। अब हम बिना शादी के नहीं रहेंगे, क्योंकि बड़े विचार हैं दिल में नारद के। अब सोचने लगे हम इतने सुंदर भी नहीं हैं जो स्वयंवर में आ जाएं और विश्वमोनी हमारे गले में जयमाला डाल दें। अब इतना समय भी नहीं है जो हम तपस्या करके सुंदर हो जाएं, क्या करें? अब तो नारद की वो हालत हो गई, क्या अब दिन में पर न छे न रात को नींद न आती है। अब दिन में पर न छे न रात को नींद न आती है। अब सोचे नजर बढ़ाए ध्यान में लड़की आती है, घड़ी वो किस दिन आएगी और विश्व मोहनी दुलही मन जब घर में आवेगी। हराम अब खाना पीना है, सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं नीला।
और देखो साथियों, दोष नहीं है नारद का,